स्टार्ट करें शशकानी आप लोगों को दिखाना। पढ़ने जा रहे थे बड़े मजे से, बैग तो हम घर ही भूल गए थे। वो रिंबोज लगे हुए हैं और अभी दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये ब्लैक लेना चाहिए कि रेड लेना चाहिए। इस बीच में मैं टाइम लैप्स नहीं बनाने दे रही, इसका क्या करना चाहिए था? तो ये मेरा भाई काटा है, जैसे वो काट सारा यहाँ से पेंट हमारा ख़राब किया हुआ। तो इसका एक छोटा सा लाइफ हैक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, मीट माई न्यू फ्रेंड न्यू मियो। खैर देर से ब्लॉग आने के लिए बहुत बहुत माजरत, आपका भाई सुस्त बढ़ा अपने काम में। तो खैर इसके आज हम लोगों ने छोटे मोटे आज इसके काम नहीं है, आज इसके काम अच्छे ही हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले इसको ये रिमोट लगवाने हैं, जो ये कैलिपर के कवर आते हैं। पहले भी लगवाए थे लेकिन वो ना उतर गए थे, क्योंकि मेरे ब्रेक शू ना तब फारिग थे, तो वो उसके साथ लग लग के ना उतर गए थे। तो अब हम दोबारा इसमें लगाते हैं। अभी हम सबसे पहले जाएंगे अपनी क्लास लेंगे, इसको पहले स्टार्ट करें शशका नहीं आप लोगों को दिखाना। हम पढ़ने जा रहे थे बड़े मज़े से, बैग तो हम घर ही भूल गए थे। खैर बैग भी हमने ले लिया, अब हम जाके पढ़ेंगे, आला तलीम हासिल करनी है हमें, ठीक है। हम लोगों ने जो एक बड़े मज़े की चीज़ होगी ना इस व्लॉग के अंदर, वो ये होगी कि मतलब कैलिपर मैंने लेकर आने हैं और मैं खुद लगाऊंगा घर पे। मेरा बड़ा भाई ज़ाहिर है उसको पता है इन चीज़ों का, तो मैं बेसिकली सारे काम अपने घर खुद ही करता हूँ इस गाड़ी के। खाने पीने निकले थे, कुछ खाने खा के तो आ गए हम, अनफॉर्चुनेटली बाइक पे निकले थे हम और गाड़ी हमारी इधर ही खड़ी है, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। वो पीछे बैठ के वैसे मज़ा तो आ रहा है, इतना मैं गीला नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है हमारी खड़ी हुई है। नहीं आज कट्टा नहीं खुला, आज इसके प्रिंपोज लेने हैं, वो लेने जाऊंगा उसके कैलिपर के कवर। और टिल देन मेरा कैमरा थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन खैर है कोई रोला नहीं है। अभी वाली सीन हो गया, खुल जा भाई, मैंने आगे से ज़्यादा तो मैं गीला हो गया। आते हैं मिंट को मेरी, उससे पहले हम जाएंगे शोरूम पे, भाई को उठाना है, भाई को लेंगे साथ, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा मेरे से तेज़ है इन चीज़ों में, उसको ज़्यादा पता है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन से साइज़ के इसके ब्रिम्बस लगने हैं। तो भाई को लेते हैं साथ, अगर देखते हैं वो फ्री हुआ तो उसको साथ लेते हैं और फिर सीधा चलते हैं मंटगोमरी और आपको भी दिखाते हैं। कल अनफॉर्चुनेटली मुझे घर जाना पड़ गया था, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो मैंने सोचा अब घर ही जाता हूँ, कल दोबारा आऊँगा तो फिर लूँगा। तो खैर अब ये रिम्बा प्लाजा आया हूँ, यहाँ से हम इसके लेते हैं ब्रिम्बस के कैलिपर के कवर। और चढ़ जा भाई, तू इतना ज़ोर क्यों ले रही है? अच्छा खैर ये, अच्छा जी ये दो ब्रिम्बोज लगे हुए हैं और अभी दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये ब्लैक लेना चाहिए कि रेड लेना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें ब्लैक पे जाना चाहिए इस दफ़ा, क्योंकि रेड मैंने पहले लगाया था। तो खैर हम दोनों रख कर देखते हैं, मुझे तो ज़्यादा इस टाइम ना ब्लैक सूट कर रहा है, ब्लैक मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। तो खैर चेक करते हैं, दोनों लगा के देखते हैं। वो हमारी लाडो रानी खड़ी है, इसकी बस ये था मुझे मार देती है कसम से, कि दोनों में से मेरे ख्याल से रेड ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, रेड ही लगवा लेते हैं, प्रोमिनेंट हो रहा है ना, बस फिट है, रेड लगवाते हैं इसको, ठीक है रेड कर दें। यार ये तो ले लिए हैं, लग तो बड़े वैशी रहे हैं, लगाएंगे। यार मैंने ब्लैक देखे थे, ब्लैक ना वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे कि कोई चीज़ लगी, ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ है ही नहीं। तो अब ये ब्रिम्बोज ले लिए हैं, लेकिन हम एक मेन चीज़ तो लेके जाना भूल ही गए हैं, जिससे हमने इसको लगाना था, ग्लू ही मैं लेना भूल गया हूँ। तो उनसे ही मिलनी थी, मेरे जहन में नहीं रहा और मैं निकल आया हूँ। अब तो रिम्बा भी कितने रह गया, पीछे रह गया। अच्छा जी ये अब हमारा सारा सामान आ गया, जो मेन इसको लगाने के लिए ना, अगर हमने इसको लगाना है तो एक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये कटर की। इसका ये होता है कि क्योंकि इसका ना साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कॉर्नर इसके ना थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये हमें मतलब सिलिकॉन है जो मतलब लगानी है। आपने अगर लेनी है ना तो आपने ट्रांसपेरेंट लेनी है, इसके ऊपर लिखा होता है क्लियर, तो आपने क्लियर वाली लेनी है। ग्लू कटर और हमारा, ये दो चीज़ें हमें मेन चाहिए। तो बाकी अब इसको घर जाते हैं, पहुँचते हैं इंशाल्लाह, फिर इसको लगाते हैं। लगाते हुए भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अपना ख्याल नहीं रखना आपने, क्योंकि अभी घर जाना है, अभी सारा काम रहता है, अभी आप लोगों ने किया गया है, कुछ भी नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, मैं ही कर रहा हूँ तब से। तो खैर घर जाते हैं, फिर आप लोगों को दिखा। जी हम घर पहुँच गए हैं और गाड़ी हमारी माशाल्लाह बहुत गंदी हुई है, आप देख सकते हैं हालत गाड़ी की। पहले हम इसको वॉश करते हैं गाड़ी को सारा, साथ हमने इसे वॉश वगैरह करते हैं। और इसके ना ये छोटे छोटे से ये हमारे हैंडल भी निकल गए हैं दोबारा से, ये जो हमने कार्बन फाइबर वगैरह लगाए थे, तो ये करते हैं। तो बस अभी घर पहुँचा हूँ, आते हैं गाड़ी को गैराज में।
गाड़ी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल लश्कारे मार रही है, शुफ शुफ हो गई है। अब इसको जैक लगाते हैं, इसको शुफ 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 करते हैं, उठाते हैं और इसके पहिए से ये खोलते हैं और इसका काम शुरू करते हैं। पहिया वगैरह हमारे उतर गए, सबसे पहले हमने ये पुरानी ग्लू उतारनी क्योंकि पहले भी यहाँ पे रिम्बो हमने लगाए हुए थे, तो ये ऐसे भी देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर उतर जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास ब्लेड है वो जो हम लेकर आए थे, मैंने आपको दिखाया है, बस उतर तो जाएगा, उतर भी रहेगी। तो इसको हम उतारते हैं, साफ़ करते हैं सारा और फिर दोबारा से इधर ग्लू लगाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको साथ साथ। तो अच्छा, इसके साइज़ में भी थोड़ा इश्यू होता है तो इसको काटना भी पड़ता है, तो ये मेरा भाई काटा है, जैसे वो काट लिया आपका काम भी काटेगा नहीं, हाँ उससे तो काम काटना है सर। खैर इसको काटते हैं, शायद इसका टाइम लैप्स लगाते हैं। लग गया 10 मिनट की मेहनत के बाद, उसको हमने हम लोग तेज करके 10 सेकंड पे कर देना है, बस ये फनकारी होती है। खैर लग बड़ा प्यारा रहा है, इसी तरह अगले को भी लगाएंगे। और मेहनत मेरी लग रही है, तेरा क्या जा रहा है? मेहनत हाँ इसकी लग रही है, मैं तो बस देख ही रहा हूँ यार। थैंक यू सो मच बिरो, आज बेचारा हाथ में आ गया था, छुट्टी थी ना आज तो इसको घेर लिया था मैंने। यार लग प्यारा रहा है वैसे सादिक, ये चलेगा फिर हो गया तो करा लगेगा। बीच में मैं टाइम लैप्स नहीं बनाने दे रही, इसका क्या करना चाहिए सादिक साहब? ये देखो टाइम लैप्स बना रही, ऊपर चढ़ के आ रही है, जाओ तुम कैट वॉक करके आओ भाई, जाओ 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 शाबाश। टाइम लैप्स बना रहा हूँ, मोबाइल को आगे खाने लग गई है मर्जी। साइड के हमारे दोनों लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामान वगैरह मैंने इसलिए इधर पड़ा रहने दिया हुआ है कि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। खैर गाड़ी आपको मैं ख्याल से उठी उठी लग रही होगी, क्योंकि मुझे भी लग रही है, वो इसलिए लग रही है कि हम लोगों ने गाड़ी उठाई थी जैक पर, ठीक है, उठा के हम लोगों ने मतलब टायर वगैरह को मतलब जोर लगाया, जैक लगाया, गाड़ी हैंड ब्रेक पर है, कि मैं जैसे ही हैंड ब्रेक नीचे करूँगा तो मतलब हमारी गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी नीचे आ जाएगी, उधर से भी ऊपर है और इधर से भी ऊपर है। खैर ये दोनों लग गए और तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। याद होगा जो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, हम लोगों ने इस वाले टायर का ना एक्सल का काम कराया था, तो उन्होंने पता नहीं उसको उतारते लगाते ना सारा यहाँ से पेंट हमारा ख़राब किया हुआ है। तो इसका एक छोटा सा लाइफ हैक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आप लोग करें, मैं भी ऐसे करता हूँ, करके दिखाता हूँ आप लोगों को। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक हमें वो पेंट वाला स्प्रे चाहिए और 2 से 3 ईयरबड, बस मैं लेकर आता हूँ अंदर से। ये मेरी ईयरबड आ गई और अब हम अपनी टूल किट में ढूँढते हैं कि हमें हमारा बड़ा ब्लैक स्प्रे हुआ हो। ये आपके भाई की छोटी मोटी सी टूल किट है, इसका बेड़ा अगर है कि एक भाई ने मेरे बड़े भाई ने किया हुआ है, मैं वो ही लेता हूँ। यार देखो मैं बड़ी अच्छी चीज़ रखता हूँ, मैंने इसको बड़े तरीके से रखा हुआ था, ये देखो जो चीज़ खोली रख दी वैसे। खैर कोई नहीं, स्प्रे लेते हैं, वीडियो लंबी बहुत हो गई है। अच्छा ये ब्लैक को लगी ना, हाँ ये ब्लैक मैट ब्लैक है, लेकिन मेरा ग्लोसी चलेगा, ये भी ये दोनों पुराने ख़त्म हो गए, ये और ये ढक्कन समझ रहे हैं ना, ढक्कन एक ब्लैक स्प्रे और ढक्कन, इसको हम लेके जाते हैं, पर नीचे लीक तो नहीं हो रहा, पन्ना तो लीक ही होने लग गया। खैर कोई नहीं, इसको यहाँ पे रखते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है कैमरा फाड़ के ना ले आया करना। खैर अच्छे तरीके से इसमें भी भिगो डुबा के आपने ये लगा ली इसके साथ, अब जिस तरह ये है इस पर लगाएंगे हम ऐसे करके, ओह नया ब्रांड न्यू। इसी तरह मैं अब सारे पे लगाता हूँ, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ के कर नहीं सकता, मैं सारे पे लगा के फिर वीडियो ऑन करता हूँ। करें आपके भाई ने कारनामा किया,
पता लग रहा है कि कुछ लगा हुआ है। अच्छा मेरा जो रिम ग्लॉसी ब्लैक है, लेकिन जो मेरे पास स्प्रे था वो था मैट ब्लैक, लेकिन काम चल गया ये। अब आपको इसे थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे वो लगा हुआ है, मेरे पास ग्लॉसी होता तो ये बिल्कुल पता ही नहीं चलना था कि कोई चीज़ लगी है, लेकिन खैर उस पर बाद में हम ऊपर लगा देंगे, इतना पता नहीं चल रहा। मेन चीज़ तो दूर से देखना होता है ना। अब चेक करें, अब प्यारा लग रहा है, ये देखें, ये देखें, ये छोड़ दिया उसने अपना थोड़ा सा, खैर कोई नहीं, लेकिन लग प्यारा रहा है। ओके हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन, सारी गाड़ी हमारी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। बिम्बस भी लग गए, हैंडल भी हमारे रहते थे, वो भी, ये भी उधर का भी था, वो भी लग गया। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। एक आधा आपको छोटा सा रोलिंग शॉट नहीं, बस एक निकालते एक रात से आपको दिखाता हूँ ताकि कैसे लग रहे हैं, फिर उसके बाद वीडियो को हम ख़त्म करते हैं अपना। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।